सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन से क्यों डरा पाकिस्तान, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी सूर्या और ईशान को बेहतरीन बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कल खेला गया वीवो आईपीएल 2021 का 55वां मैच, जिसमें मुंबई और हैदराबाद की टीमें आमने सामने थी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय किया और मुंबई की ओर से ओपनिंग करने आए रोहित ईशान, जिन्होंने हैदराबाद के पसीने छुटा दिए। इसमें ईशान किशन का बहुत बड़ा रोल रहा। ईशान ने पहली गेंद से प्रहार करना स्टार्ट किया और लगातार चौके छक्कों की बारिश करने लगे। दोस्तों, इस मैच में ईशान किशन ने मात्र 32 गेंदों पर 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने 11 चौके तथा 4 लंबे लंबे छक्के भी जड़े। इसके बाद एंट्री होती है भारत के स्काई यानी कि मिस्टर 360 इन इंडिया बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्रीज पर आते ही अपनी बल्लेबाजी से कई बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और मात्र 40 गेंदों में 82 रनों की एक और धमाकेदार पारी खेल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य इस दौरान 13 चौके और 3 आसमानी छक्के भी लगाते हैं और सूर्य कुमार यादव तथा ईशान किशन की आज की बैटिंग देखकर पूरा पाकिस्तान सदमे में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज से ठीक 15 दिनों के बाद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाना है और मैं आपको बता दूं कि सूर्या और ईशान T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन स्क्वाड का हिस्सा हैं, यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों का खेलना लगभग तय है। और उससे पहले भारत की इन दोनों शेरों की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान क्रिकेट में डर का माहौल उठ खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी इन दोनों खिलाड़ियों की धमाकेदार पारियां एंजॉय की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं क्रिकेट के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।